राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही राजधानी देहरादून का माहौल राममय हो चुका है। बता दें कि पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत राजधानी देहरादून में भी बीजेपी द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इसके साथ ही विधायक और सांसद भी इस यात्रा में शामिल हुए। इसी क्रम में बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया कि अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लोगों में काफी उत्साह का माहौल है। जिन्होंने कहा कि जिन जिन क्षेत्रों में शोभा यात्रा निकली है, वहां पर लोग बड़े ही उल्लास के साथ इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आज श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव समिति के द्वारा एक बड़ा भव्य यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में राम भक्त पूरे देहरादून क्षेत्रों से जुटे हैं। और जहां एक ओर अयोध्या में बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, वहीं देहरादून में एक उत्सव आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरा देहरादून राममय है। इसी के क्रम में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा देहरादून के मुख्य मार्गों से होते हुए पूरा देहरादून इसका स्वागत करने के लिए तैयार है।